नमस्कार आप सभी का स्वागत है आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे आज का जो विषय है वो है क्रास्ट बर्थ और बी सी ए डी या बी सी ई सी के बीच में को रिलेशन क्या है बच्चों तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है और इस बार ये वीडियो दो पार्ट में होगा पहले पार्ट में हम क्राइस्ट बर्थ और बी सी ए डी या बी सी ई सी ई के बीच में जो को रिलेशन है इसके बारे में स्टडी करेंगे और ये जो वीडियो है इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज जब आप डीप स्टडी करोगे तो आपको इन टर्म्स के बीच में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाएगा नॉर्मल स्टडी में तो आप बी सी ए डी या बी सी ई सी के बीच में काउंटिंग ही करनी होती है तो नॉर्मल आपको यूट्यूब पे भी उसके वीडियोस मिल जाएंगे नॉर्मल टीचर्स बता भी देते हैं लेकिन जब इसको आप थोड़ा डीप में जाओगे तब एक कल एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये कि जब आप बी को ये समझते हो कि भाई बिफोर क्राइस्ट हम बोल रहे हैं लेकिन जब आप डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो क्राइस्ट का बर्थ है वो ऑलरेडी बी में ही हो रहा है उसको हम एट्थ बी या सिक्स बी के आसपास मानते हैं तब ये क्वेश्चन रेज होता है कि भाई जो बिफोर क्राइस्ट का समय है उसमें ही क्राइस्ट का बर्थ कैसे हो सकता है तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से हुआ तो इसका आंसर भी मुझे नॉर्मली मिला नहीं तो फिर कई सारे थ्योरीज और कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड हुआ डैट्स वाई इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ रही है और जो दूसरा हमारा पार्ट होगा वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो में होगा उसमें हम नॉर्मल ए डी बी सी के बीच में डिफरेंस क्या है बी सी ई सी ई के बीच में डिफरेंस क्या है कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे ईसा पूर्व ईस्वी टर्म को हम कैसे यूज़ करेंगे इंडियन आर्ट हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सो so, आज आ, चलते हैं हाँ आज की वीडियो पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्राइस्ट बर्थ बी सी ए डी और बी सी ई या सी ई के बीच में कोरिलेशन तो ये कहाँ से आया तो नॉर्मली आप सभी लोग परिचित होंगे बी सी टर्म से बी सी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट के पहले का समय तो नॉर्मल लोग ये समझते हैं कि क्राइस्ट के पहले का समय और जो समय बाद वाला हुआ वो क्राइस्ट के मृत्यु के बाद का समय होगा इसलिए जो ए डी जो टर्म है इसको कई लोग बोलते हैं आफ्टर डेथ जो पूरी तरह गलत है ए डी का मतलब होता है एनोडोमिनी ये लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है इन ईयर ऑफ लॉर्ड सारी कहानी ए डी और बी सी के जो टर्म है यहीं से शुरू होती है कि ये टर्म कहाँ से आया बच्चों एक द, आ, पर्सन थे एक मॉन्ग थे डायोनोसिस करके ये जो डायनोसिस मॉन्ग थे ये फोर सेवेंटी ए डी में इनका बर्थ हुआ था आ, ये सीथिया माइनर करके एक जगह पड़ती है जो आज का रोमानिया या बुल्गारिया करके जो प्लेस है आप गूगल पर देख लीजिएगा मैप में वहाँ पे इनका बर्थ हुआ और फाइव फोटी फोर ए डी में ये एक्सपायर हो जाते हैं ये मर जाते हैं अब इन्होंने काम क्या किया तो ये मोंक थे इनका बेसिक काम था कि जो आ, आ, ग्रीक टर्मोलॉजी थी या ग्रीक के जो बुक्स थी उसको लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ये इसको ट्रांसलेट करते थे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया हुआ है तो ये एक स्कॉलर थे तो जो रोमन डायनेस्टी थी रोमन डायनेस्टी ने इनको अपने यहाँ अपॉइंट कर लिया और कुछ कुछ इनको काम दिए उसी में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था रोमन डायनेस्टी में जो क्रिश्चियनिटी के बाद में एक प्रथा शुरू हुई थी वो थी काउंसलशिप की तो काउंसलशिप बेसिकली होता है जो वहाँ का राजतंत्र था जो उनके मुख्यमंत्री वगैरह होते थे उसकी एक मेम्बरशिप वगैरह कमेटी होती थी तो वो जो कमेटी थी क्राइस्ट के बर्थ के कुछ समय बाद ही शुरू हो जाती है तो इनको ये काम दिया गया कि भाई आप इसको काउंट करिए कि ये कितनी हुई हैं तो जो रोमन किंग था प्रोबियस जूनियर उसने डायनोसिस को अपॉइंट किया और डायनोसिस ने काउंट किया कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद में जो हमारी रोमन काउंसलरशिप शुरू हुई है ये टोटल फाइव ट्वेंटी फाइव यानी कि पाँच सौ पच्चीस हुई हैं और उन्होंने ये बोला कि भाई पाँच सौ पच्चीस काउंसलरशिप अभी तक हो चुकी हैं और उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो 525 सौ पच्चीस काउंसलरशिप हुई हैं ये इन द ईयर ऑफ लॉर्ड एनोडोमिनी यानी कि क्राइस्ट के शासनकाल में हुई हैं ये बात उन्होंने बोल दी तो ये जो ए टर्म है ये यहाँ से आया कि 525 ट्वेंटी काउंसलरशिप हुई हैं कब हुई हैं इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी कि जो भगवान इस मसीह हैं या जो क्राइस्ट हैं उनके शासनकाल में हुई हैं क्योंकि जो रोमन डायनेस्टी थी अब सभी को पता है कि इन्होंने बाद में कॉन्स्टेंटाइन के बाद में आ, ये राजधर्म बन गया और ये एक तरह से अपने आप को क्राइस्ट का एक आ, सेवक मान के काम करते थे तो अब ये जो 525 ट्वेंटी एक टर्म आया एनोडोमिन टर्म आया तो ऑटोमेटिकली लोगों ने बोला कि भाई यहाँ से हमारा इन दर ऑफ लॉर्ड शुरू हो रहा है लेकिन इसके पहले का जो समय है वो हम बिफोर क्राइस्ट कह देंगे यानी कि बीसी कह देंगे तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली बी सी टर्म की शुरुआत हो जाती है तो इस तरीके से बी सी और ए डी टर्म हमारे सामने आ जाते हैं यहाँ पे एक बात तो ध्यान देने वाली ये है कि डायनोसिस ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि भाई क्राइस्ट का बर्थ कहाँ पे हो रहा है उन्होंने बस एक टाइमलाइन में एक लाइन बता दी कि भाई यहाँ से हमारा जो ईसा मसीह का शासन काल है या जो एनोडोमिनी है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड है वो शुरू होता है उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि भाई ईसा मसीह का जन्म कब हुआ कब नहीं हुआ तो ये बात करीब सिक्स हंड्रेड सेंचुरी के आसपास बताई जाती है अब क्रिश्चियनिटी अब पूरे यूरोप में फैल रही होती है और ये डायनासिस कैलकुलेशन के बाद में करीब सौ डेढ़ सौ साल तक ये बात दबी रहती है किसी को कोई परवाह नहीं होती भाई ईसा मसीह का पैदा हुए कब नहीं हुए फिर न्यू टेस्टामेंट में एक स्टोरी आती है न्यू टेस्टामेंट में बताते हैं कि जब ईसा मसीह का जन्म होता है तो वहाँ का जो एक जूस किंग होता है किंग हैरात किंग हैरात इनको मारने के लिए आदमी भेजता है और फिर ईसा मसीह की खोज की जाती है और ईसा मसीह अपने पेरेंट्स के साथ में माइग्रेट कर जाते हैं खैर तो जो किंग है जब किंग की डेथ निकाली गई तो किंग हरात की डेथ करीब फोर बी आई यानी कि वह टाइम जहाँ से एनोडोमनी शुरू हो रहा है उसके भी चार साल पहले किंग हैरात एक्सपायर हो जाते हैं अब क्रिश्चियन की जो बड़ी बड़ी सभाएं थीं मीटिंग्स थी मीटिंग उसमें फिर ये हुआ कि चलो अगर किंग हैरा फोर्थ बीसी में एक्सपायर हो रहा है यानी कि ए के टाइम के पहले एक्सपायर हो रहा है और उसने ही आदेश दिया था कि आ, क्राइस्ट को आ, मार दिया जाए तो क्राइस्ट का जो बर्थ है वो उसके पहले हुआ होगा तो फिर कुछ कैलकुलेशंस की गई कुछ कुछ मीटिंग्स करी गई कुछ कुछ एविडेंस निकाले गए तो ये डिसाइड हुआ कि भाई जो ईसा मसीह का जन्म है वो सिक्स या एट्थ बी में हुआ होना चाहिए तो ये एक डाउटफुल है लेकिन इसको मोटा मोटा मान लिया गया तो अब जो क्राइस्ट बर्थ है उसकी डेट इस तरीके से बी में निकल के आती है तो ये जो डाउट था कि भाई ईसा मसीह का जन्म जो बीसी में कैसे हो जाता है वो इस तरीके से होता है कि ये डिसाइड ही नहीं था पहले और सिर्फ ए का ही आ, डिसीजन हुआ था कि भाई यहाँ से हम ईयर को मान रहे हैं और फिर प्रचलन में आ गया कि उसके पहले का समय क्या है तो वो भी फोर क्राइस्ट हो गया और उसके बाद में भी सौ डेढ़ सौ साल बाद ही आ, काउंटिंग करेगी तो ये पता लगा कि जो ईसा मसीह हैं इनका जन्म भी और पहले होता है जो एट्स बी या सिक्स बी के आसपास निकल के आता है यहाँ एक बात और थोड़ी सी जानने वाली है जो हम ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर क्रिश्चन या जिसको बड़ा दिन मानते हैं उसका भी डिसीजन इसी तरह की मीटिंग से ही निकाला गया है क्योंकि तो ये क्लियर नहीं है जैसे हमारे अगर इंडियन एस्पेक्ट में हम देखेंगे तो लॉर्ड बुद्धा की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो हम चाइनीज़ जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं कि भाई जो हमारे लॉर्ड बुद्धा हैं उनका कब जन्म हुआ है इन द सेम मैनर जो क्राइस्ट थे उनको बर्थ के लेके भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे तो फिर ये कई सारी मीटिंग के बाद में एक मोटा मोटा मान लिया गया कि चलो ट्वेंटी दिसंबर को हम क्राइस्ट का बर्थ मानते हैं तो ये आगे बी सी एडी ए डी की कहानी अब जो ब्रिटिशर्स थे जब ये पावरफुल होते हैं तो इन्होंने अपनी जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उसके लिए डायनोसिस कैलेंडर का यूज़ किया डायनोसिस जो कैल कल्क, कैलकुलेशनस इनका यूज़ किया तो वहाँ से जो डायनासिस कैलकुलस है इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है उसके पहले सब जूलियन कैलेंडर था या ग्रेडियन कैलेंडर था उसको यूज़ करते थे तो ब्रिटिशर्स ने ये ए डी बी सी को ज़्यादा पॉपुलर करा दिया लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि नहीं हम इस ए डी बी सी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्होंने बोला कि हम कॉमन ईरा या बिफोर कॉमन ईरा यूज़ करेंगे तो जो हमारा हाँ डायनासिस जो हैं इनकी आप पेंटिंग भी देख सकते हो तो डायनोस जो हैं डायनोसिस का जो ए डी बी सी कॉन्सेप्ट था ब्रिटिशर्स ने डनाई कर दिया उन्होंने बोला कि नहीं हम ए डी को बोलेंगे कॉमन हीरा क्योंकि ये सामान है क्योंकि जब ईसा मसीह आए तो उन्होंने सबके लिए इक्वलिटी ला दी तो ये कॉमन हीरा हो जाएगा और उसके पहले का समय जो है वो है, वो है बिफोर कॉमनिरा तो इस तरीके से बी सी ई और सी ई का कॉन्सेप्ट निकल के आता है तो आई थिंक सो आपके दिमाग में जो एक डाउट था कि भाई ए क्या होता है बी क्या होता है या बी क्या है या सी क्या है वो क्लियर हो गया और जो क्राइस्ट बर्थ है क्राइस्ट बर्थ की जो गुत्थी है कि भाई क्राइस्ट बर्थ जो है वो बी में कैसे हो जाता है एथ बी या सिक्स बी में कैसे हो जाता है तो इस तरीके से वो डिसाइड हुआ है कि कुछ कुछ समय पे कुछ कुछ मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स के बेस पे इन चीज़ों को निकाल दिया गया है तो हम समझते हैं कि जो भी डाउट्सफुल्स हैं आपके वो क्लियर हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे ए डी बी सी या बी सी ए डी के बीच में जो कैलकुलेशंस हैं हम कैसे उनको काउंट करें चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए सुरक्षित रहिए